डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेट, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे, इवन आपको रियल लाइफ एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। इवन आपको एक टास्क ही दे रहा हूं कि कम से कम एक सब्सक्राइबर आपको आज ही के दिन में लेके आना, और अगर आप ये कर लोगे तो कमेंट सेक्शन में डन जरूर लिख देना ताकि मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट का एक्चुअल में यूज क्या है? ये नेटवर्क को, यहां पे देखो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मतलब जो एड्रेस है, जो आईपी एड्रेस है, उसको ट्रांसलेट करता है। अब कौन सा आईपी एड्रेस किस में ट्रांसलेट करता है, सिंपल सा पॉइंट याद रखना, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में एंड पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट करने का काम करता है। अब आती है कहानी कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है। तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो, आप एक सिंपल से सिनेरियो को सोच सकते हो। लेट्स से यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर 10 हॉस्टल है। अब अगर आप देखो, हर एक हॉस्टल में हर एक रूम नंबर को अगर मैं अलग अलग रूम नंबर दे दूं, मतलब कहने का कि जैसे एक हॉस्टल को मैंने रूम नंबर 101 दे दिया, मतलब पहला रूम को मैंने 101 दे दिया, क्या मैं दूसरे हॉस्टल में 101 नंबर नहीं दे सकता? ऑब्वियसली दे सकता हूं। क्या मैं दूसरे हॉस्टल में 201 दे सकता हूं? दे सकता हूं। तो क्या मैं तीसरे में 201 दे सकता हूं? यस। मतलब कहने का क्या है कि विद इन द हॉस्टल अगर हम बात करें रूम नंबर्स की, तो वो अलग अलग होने चाहिए, लेकिन अगर हम दो हॉस्टल्स की बात करें या चार हॉस्टल में, तो उनमें तो रूम नंबर क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। मतलब अगर 101 हॉस्टल नंबर 1 में है तो 101 हॉस्टल नंबर 2 में भी हो सकता है। और अगर आप होटल्स की भी बात कर लो, दुनिया में हजारों लाखों होटल है, हर एक होटल के अंदर रूम नंबर 101 तो होगा ही ना, 201 तो होगा ही ना। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं कि यार, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था ना, जब इंटरनेट की कहानी स्टार्ट हुई, तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था कि डायलअप कनेक्शन हम यूज करते थे। जैसे हम अर्ली 2000 की बात करें या 1990s की बात करें, तो डायलअप कनेक्शन था, हर एक को एक हमने क्या दे दिया, कुछ टाइम के लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। जब उसने वो यूज करना बंद कर दिया, तो वही आईपी एड्रेस डायनेमिकली किसी और को साइन हो गया। लेकिन आज के टाइम पे हमें एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस चाहिए। मतलब हम एक मशीन पे नहीं, हम 3-4 मशीन पे काम कर रहे हैं, हर एक मशीन पे मुझे डिफरेंट आईपी एड्रेस चाहिए। अगर इतने एड्रेसेस को मेरे को यूज करना हो, प्राइवेट नेटवर्क्स इतने बन गए हैं, हर एक को एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस चाहिए, तो मैं इतने आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड करवाऊं? बिकॉज़ IPv4 में 32 बिट का आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं, तो टोटल 2^32 आईपी एड्रेस पॉसिबल है। तो एक्चुअल में अब सिनेरियो जो है वो नेट ने थोड़ा सा इस चीज को क्या कर दिया, एक्चुअल में इजी कर दिया। रीजन उसका क्या है, वो कहता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्राइवेट नेटवर्क बना लो। क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप यूनिवर्सिटी ले लो, कॉलेज ले लो, घर ले लो अपना, कोई छोटा सा ऑफिस ले लो, बड़ा ऑफिस ले लो, उसके अंदर आप एक प्राइवेट नेटवर्क बना लो। अब ये प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए एक्चुअल में किया क्या, यहां पे हमने रेंज जो है वो बना दी, जो एक्चुअल में IPv4 की अगर हम बात करें, मैं यहां पे IPv6 की बात नहीं कर रहा, और क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर हमने 3 रेंज बना दी, 10 डॉट ये वाली, एक 172 क्लास बी के अंदर और ये क्लास सी के अंदर। तो इसके अंदर मेरे पास हो गए यहां पे 2^24 एड्रेसेस, इसमें 2^20 एड्रेसेस और इसमें 2^16 एड्रेसेस। तो अब होगा क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहती है मुझे एक्चुअल में इतने आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो मैं उनको सारे पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दूंगा। अगर मैं सारे के सारे पब्लिक आईपी एड्रेस दे दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ टोटल आईपी एड्रेसेस में से ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो करेंगे क्या, हम प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। जैसे मैंने इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी का एग्जांपल अगर हम लें, तो उनको हमने 10.10 मतलब पहली रेंज में से 10.10 वाला एक आईपी एड्रेस दे दिया। अब उसने इंटरनली क्या बना लिया, होस्ट 2, 3, 4, इतने मल्टीपल होस्ट उसने बना लिए, प्राइवेट नेटवर्क उसने अपना बना लिया। अब देखो, यही प्राइवेट नेटवर्क मतलब 10.10.0.1 की अगर हम बात करें, तो यही किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और कॉलेज के अंदर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि ये तो प्राइवेटली यूज कर रहे हैं हम, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, आप सेम एड्रेस जो है वो एक तरह से यूज कर सकते हो, बिकॉज ये प्राइवेट का नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क जो है वो एक तरह से यहां पर बन गया। अब होगा क्या,
बाहर की दुनिया जो इंटरनेट है, इंटरनेट को नहीं पता कि भैया ये क्या चीज है, इंटरनेट को इसका कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेट मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एक पब्लिक आईपी से जानेगा। तो लेट्स से मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक आईपी है ये 125.12.31.7 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लेट्स से कोई डोमेन नेम भी ले रखा है गेट्स मेशर्स। तो होगा क्या, सारी दुनिया मेरे को इस आईपी एड्रेस से या डोमेन नेम से जानती है। इंटरनली मैंने अपने अंदर एक प्राइवेट नेटवर्क जो है वो बना लिया। अब जब भी यहां से कनेक्शन देखो कैसे बनेगा, कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगा। लेट्स से मेरा यहां पे एक होस्ट है 10.10.0.2। अब ये कहता है कि मुझे जी फेसबुक को यूज करना है या मुझे जीमेल यूज करना है या मुझे बाहर की दुनिया में कुछ भी कोई वेब पेज को एक्सेस करना है, तो इसने कोई पैकेट जो जनरेट करेगा उस पैकेट में सोर्स एड्रेस क्या होगा, इसका खुद का क्योंकि ये जनरेट कर रहा है। डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन लेट से उसको कोई वेबसाइट को एक्सेस करना उसका एड्रेस ले लेते हैं लेट से 25.25.25.10 कुछ भी ले लो आप। लेट से उसको ये वाले पर्टिकुलर इस एड्रेस पे जाके इस पर्टिकुलर होस्ट को उसने क्या करना है, एक्सेस करना है। अब हो गया क्या, सोर्स एड्रेस ये हो गया, डेस्टिनेशन एड्रेस ये हो गया। तो जैसे ये पैकेट नेट के पास पहुंचेगा तो नेट ने क्या करना है, क्योंकि बाहर की दुनिया को नहीं पता कि ये 10.10 ये तो प्राइवेटली है ना, तो उसने क्या करना है इस सोर्स एड्रेस को काट के, मतलब जो पैकेट आएगा ना इसके पास, इस पैकेट में इस सोर्स एड्रेस को काट के उसने क्या करना है, ये वाला सोर्स एड्रेस चिपका देना है। मतलब बाहर वाला जो, क्योंकि सारी दुनिया तो उसको इस नाम से जानती है ना, तो ये वाला उसने सोर्स एड्रेस बना देना है। डेस्टिनेशन उसने ऑलरेडी बता ही रखा है इस बंदे ने कि मेरे को इसको एक्सेस करना है, तो ये पैकेट बाहर जाएगा इस www में उस पर्टिकुलर होस्ट के पास जाएगा, वहां से जो भी वेब पेज जो भी एक्सेस करना है वो एक्सेस करके जब रिप्लाई आएगा, तो रिप्लाई के केस में क्या होगा, जब रिप्लाई आएगा तो ये वाला होस्ट जो होगा जो बाहर की दुनिया में सर्वर है वो क्या करेगा, सोर्स एड्रेस वो अपना एड्रेस, मतलब ये वाला जो एड्रेस अब सोर्स बन जाएगा, और डेस्टिनेशन कौन सा होगा, ये वाला क्या होगा, डेस्टिनेशन। तो जैसे ये पैकेट यहां पे पहुंचा, अब इस पैकेट को मुझे एंड तक भी तो पहुंचाना है ना, इस बंदे तक पहुंचाना है, तो इस बंदे तक अगेन क्या करेगा, नेट ट्रांसलेट करेगा, मतलब प्राइवेट आईपी को उसने पब्लिक आईपी में, अब पब्लिक आईपी को दोबारा प्राइवेट आईपी में चेंज करेगा। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, एक ट्रांसलेशन जो टेबल है उसको यूज कर रहा है ताकि वो स्टोर कर सके, क्योंकि जब पैकेट वापस आएगा तो यार इसमें से किसको भेजना है ये भी तो याद रखना जरूरी है ना। तो जब वो वापस आएगा ना पैकेट, तो वो पहले क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, मतलब जैसे ये पैकेट बाहर गया था तो उसने एक एंट्री बना ली 10.10.0.2 ने किसको एक्सेस करना है, 25 बाहर का जो आईपी एड्रेस है 25.25.25.10 इसको एक्सेस करना है। तो ये पैकेट बाहर गया, जब ये पैकेट अंदर आएगा, जब पैकेट अंदर आएगा तो सोर्स में क्या लिखा होगा, ये वाला। तो जैसे ही उसने देखा अच्छा सोर्स में ये वाला, तो यानी ये किसने भेजा था, इस बंदे ने भेजा था, तो उसने डेस्टिनेशन ये वाला करके इस पैकेट को रूट कर देना है इस बंदे तक। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो चलेगा। मतलब आपके हॉस्टल में लेट्स से 101 102 103 बहुत सारे इस तरीके के रूम नंबर है। अब उसके बाहर एक बंदा बिठा दिया कि जैसे ही चिट्ठी आई, जैसे कोई लेटर आया, उसको पता, उसने देखते ही बता देना कि भैया इसको इस पर्टिकुलर रूम नंबर में भेज दो, इसको इस रूम नंबर में भेज दो, तो वही एक्चुअल में नेट जो है वो काम कर रहा है। तो ये इस तरीके से मे भी आपको अगर दिमाग में आए कि सर हो सकता है कि एक होस्ट में मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर सेम आईपी एड्रेस को करेंगी तो फिर इस तरीके से एक ही कॉरस्पॉन्डिंग, एक ही एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल एंट्रीज भी बन सकती हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए लेटर ऑन इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट आईपी के साथ साथ पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस भी स्टोर कर लिया और पोर्ट नंबर, मतलब इस होस्ट के अंदर किस पोर्ट नंबर ने, मतलब प्राइवेट पोर्ट भी, लेट से प्राइवेट पोर्ट है मेरा कोई भी ले लो, प्राइवेट पोर्ट हमने स्टोर कर लिया जो उस वेब ब्राउजर के अंदर जो उसको मिलेगा, उस प्राइवेट पोर्ट को भी हमने स्टोर कर लिया और पब्लिक पोर्ट, मतलब इस तरीके से आप चार एंट्रीज भी बना सकते हो, प्राइवेट आईपी, प्राइवेट पोर्ट, पब्लिक आईपी, पब्लिक पोर्ट नंबर, तो इस तरीके से भी एंट्रीज बन सकती हैं। मेन कहानी जो है वो नेट की इस तरीके से वर्क करता है कि पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में और प्राइवेट को पब्लिक आईपी में, सो दैट कि आपके जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको हम प्रॉपर वे से यूज कर सकें। बट इस प्रॉब्लम को अब लेटर ऑन नेट की भी अब जरूरत नहीं है, बिकॉज अब IPv6 यूज हो रहा है और IPv6 में 2 raised to power आपके जो है IPv6 जो है ना वो एक्चुअल में इतने ज्यादा आईपी एड्रेसेस उसके अंदर यूज हो रहे हैं, 2 raised to power 128 आईपी एड्रेसेस यूज हो रहे हैं, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। तो इसीलिए उसमें आप चाहे ना भी यूज करो तब भी आपका काम जो है वो चल रहा है, बिकॉज इतने आईपी एड्रेसेस हैं जो इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। मे बी लेटर ऑन उसमें भी दिक्कत आ सकती है, बट फिलहाल दैट इज सफिशियंट। थैंक यू।